गाइस, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 21 दिन का ऐसा चैलेंज जो आपके फेस पर पुरानी से पुरानी झाइयों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, आंखों के नीचे पड़ी झुर्रियों को सबको खत्म कर देगा। इनफैक्ट अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है या आईज की पफिनेस है तो वो प्रॉब्लम भी इससे दूर होने वाली है। ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आप खुद लगाने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन 21 डेज आपको उसको रेगुलर फॉलो करना है। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और जमकर शेयर करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करा करें और जब प्रेस करते हैं तो ऑल पे क्लिक करें। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @ishramehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना हम मेन इंग्रेडिएंट लेंगे लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल क्या करती है, इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, आपकी स्किन से सारी पिगमेंटेशन को, सनबर्न को हटाती है। इनफैक्ट आपकी स्किन पर एक अलग सा ही ग्लो लेकर आती है। आपके अगर दाग धब्बे हैं, झाइयों के मार्क्स हैं तो वो तक दूर हो जाएंगे। आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी, मतलब अगर आप महंगे फेशियल करवाते हैं तो 2-3 दिन बाद उसका रिजल्ट दिखता है, लेकिन हार्डली 4-5 डेज के लिए रहता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन अगर आप इस पैक का इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन पर रिजल्ट दिखाएगी, ठीक है। इसके साथ हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं, यहाँ पे 3 बादाम। इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी। अगर बादाम ना हो आपके घर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बादाम का जो तेल है वो बादाम रोगन शीरीन लेना है आपने, ना कि सर पे लगाने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। बादाम क्या करता है, बादाम में होता है विटामिन ई जो आपकी स्किन से एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आता है, आपकी अनइवन स्किन को इवन करता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये। इसके बाद हम उसमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि इसको पीना भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और फेस पे लगाना भी। तो मैं इसको डेली पीती भी हूँ और अपने फेस पर अप्लाई भी करती हूँ। ये आपकी स्किन को नेचुरली निखारता है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपकी अनइवन स्किन को इवन करता है। तो यहाँ पर हमें अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट लेना है लेमन। लेमन क्या करता है, उसमें होता है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, जो आपकी सारी स्किन की डलनेस को, जितना भी आपकी स्किन काली पड़ चुकी है, चाहे आपके लिप एरिया हो या आपके फोरहेड एरिया पर, ये पूरी जगह पर आपके फेस पर डार्कनेस जो है उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ आपकी स्किन पर नेचुरली ब्लीच करती है, आपको आर्टिफिशियल ब्लीच की जरूरत नहीं है, आपके पिगमेंटेशन, आपके पिंपल्स के दाग धब्बे सबको बहुत अच्छे से क्लीन करती है। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है लेमन। लेमन हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी अभी आपको मैं बताती रहूंगी सारी चीजों की। लेकिन अगर आपकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह पर टोमेटो जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यूज करना है हनी। हनी क्या करती है, आपकी स्किन से एजिंग को स्लो डाउन करती है, पीएच लेवल को मेंटेन करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत सुधार देती है। आप नोटिस करेंगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट यूज करने के बाद आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगेगा, दमकने लगेगा, आप खुद अपनी रंगत देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी एज 16 इयर्स की है या फिर 60 ईयर की है तो भी आप इसको यूज करके अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, लाल मसूर दाल को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको एक शीशी में स्टोर करके रख देंगे ताकि जब भी आपको इस फेस पैक को बनाना हो तो बार बार आपको पीसने का झंझट ना रहे, क्योंकि हनी, लेमन, बादाम तो आपके किचन में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एलोवेरा जूस की बॉटल भी आप लेके रख लीजिएगा, इसको डेली आपने पीना भी है और अपने फेस पे लगाना भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस फेस पैक को रेडी कैसे करना है। अब हम इसका 1 चम्मच पाउडर ले लेंगे, इतना इनफ है। आप चाहे तो इसको अपनी ओवरऑल बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव रेमेडी है ये। अब हम इन बादामों को मामदस्ते में कूट लेंगे अच्छे से। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से कूट चुके हैं। अब मैं इसको इसमें ऐड कर लूंगी, 1/2 लेमन आप हम इसमें ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपको सेम ही लेनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ, और लेमन का ऑप्शन मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको सूट नहीं करता तो आप टोमेटो जूस उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जूस, क्या मैंने 1 स्पून ले लिया है। साथ में अब ऐड करेंगे 1 स्पून हनी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा ये स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, और यही दरदरापन आपके सारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा। तो चलिए अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस फेस पैक को आपको हफ्ते में कितनी बार अप्लाई करना है। अप्लाई आपको उसको वीक में 2 times करना है। जब आप रात को घर पर होते हैं तो पहले अपने चेहरे को अच्छे से किसी भी फेस वॉश से धो लें ताकि आपके फेस से सारी डस्ट इम्प्योरिटीज चली जाएं। उसके बाद आपने इस पैक को अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ सेम इसी डायरेक्शन में आपने ऐसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए आपने इस पैक को ऐसे अपने चेहरे पर लगे रहने देना है। उसके बाद आपने हल्का सा पानी लेना है और धीरे धीरे करके अपने फेस को रब करते हुए इस फेस पैक को धोना है, क्योंकि जब आप इसको रब करेंगे तो हल्का दरदरा होने की वजह से ये आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर देगा। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए और अपना कोई भी डेली मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाइए। तो आज से इसको ट्राई करें और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।